गुजरात में इधरों बाढ़ ने गदर मचा रखा है। गुजरात के कई जिले सैलाब की चपेट में, और खतरे की बात तो ये है कि अगले कुछ और घंटे गुजरात पर भारी है। सड़क जब लहरों में लापता हो जाएगी तो कार आखिर कहां जाएगी। इस कार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात के धर्मपुर इलाके में ये कार रोहिणी नदी की रौद्रकारी लहरों की चपेट में आ गई। नदी की उफनती लहरों के साथ बहने लगी। इस कार में सवार थे 4 लोग। कार लहरों के साथ बहती जा रही थी। कार सवार लोगों की जिंदगी जल प्रलय के बीच खतरे में पड़ी थी। आखिर इस कार का क्या हुआ? क्या ये कार बह गई या बच गई? कार में सवार लोगों का क्या हश्र हुआ? इस कार में सवार लोग किस्मत वाले थे कि सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम वक्त रहते मौके पर पहुंच गई और कार सवार लोगों को विनाशकारी लहरों से सुरक्षित बचा लिया गया। गुजरात के कई जिलों में इन दिनों बारिश और बाढ़ गदर मचा रही है। वलसाड जिले में 8 लोग भीषण लहरों की चपेट में आ गए। उफनती लहरों में इन लोगों की जान खतरे में पड़ गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाला और रस्सी की मदद से एक एक कर 8 लोगों का रेस्क्यू किया। लेकिन इन लोगों को बाढ़ के बीच से बाहर निकाल पाना इतना आसान नहीं था। अगर जरा सी भी रस्सी छूट जाती तो जिंदगी की जोर टूट जाती। लेकिन एनडीआरएफ के जवानों ने बड़ी ही सावधानी के साथ सैलाब को मात देकर जिंदगी को जिंदाबाद कर दिया। चारों तरफ पानी ही पानी। गुजरात के कई जिलों की यही कहानी है। अब आनंद का हाल देख लीजिए। बाढ़ का मंजर देखकर कोई कह नहीं सकता कि यह गुजरात का आनंद जिला है। कहां घर है, कहां सड़क है, कुछ समझ ही नहीं आता। बस दिखता है पानी और पानी। घर में पानी, सड़क पर पानी, बाजार में पानी, मकान में पानी और मस्जिद में पानी। अब सोचिए सैलाब में जिस शहर का ये हाल हो तो वहां रहने वालों की जिंदगी किस कदर मुसीबत में होगी, अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। गुजरात के दिन लगता है आजकल गर्दिश में चल रहे हैं। भारी बारिश से गुजरात को राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखती है। मौसम विभाग ने आज भी गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। हालांकि सरकार मोर्चे पर डटी हुई है और सीएम विजय रूपाणी ने शनिवार को बाढ़ कंट्रोल रूम में हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। सरकार अपनी तरफ से तैयार है, लेकिन अगर बारिश बेहिसाब हुई तो गुजरात के लोगों को मुसीबत में राहत पहुंचाना आसान नहीं होगा। गोपी खांगर के साथ आज तक ब्यूरो।